हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हां, कुछ सालों में आपने देखा होगा, सुना होगा और एग्जाम का क्वेश्चंस में भी आपको दिखा होगा खेलो इंडिया गेम्स के बारे में। तो आज हम लोग खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जानेंगे, जो कि रिसेंटली कंक्लूडेड किया गया। खेलो इंडिया गेम्स इंडिया का, अभी समझ लीजिए, नेशनल गेम्स का बाद सबसे प्राइम गेम बन चुका है और ये चार चीज में कराया जाता है। उसी के बारे में जानेंगे, जो भी लेटेस्ट एडिशन रहा, कब कहाँ हुआ, कितना मेडल था, किसने जीता और भी वगैरह वगैरह डिटेल जानेंगे। और एक ही वीडियो में आपको 7 से 8 मिनट का वीडियो में पूरा पूरा कंप्लीट मिल जाएगा चारों जो खेलो इंडिया का इवेंट्स हुआ है। सबसे पहले देखेंगे फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यूनिवर्सिटी से समझ में आ रहा है, जितना इंडिया का यूनिवर्सिटीज है वो लोग इसमें हिस्सा लेगा। फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम, ये विंटर गेम यानी कि आइस का जितना भी गेम वगैरह है इसमें होता है। फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक वीडियो में मैंने कराया था बट यहाँ पर सब एक साथ कराने के लिए इसको डाल दिया गया है। सिक्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसके बारे में यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा बट हाँ, एक लिंक में दूंगा क्योंकि वो सबसे मेन गेम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो है, तो इसमें मैं लिंक में डाल दूंगा, आप लोग उसको जरूर से देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और मेरा ये मानना और बिलीफ है, ये जो चार है, चार में से आने वाले एमटीएस से लेकर हर एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिए सुनिए। अच्छा, खेलो इंडिया जो गेम्स है, जितना भी ये चारों मैंने कहा, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कराता है, जिसके मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी आपको मालूम है, और साई कराता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, और IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का इसमें समर्थन भी रहता है, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। ये एज ग्रुप 18 से 25 का रहता है, ठीक है। अच्छा, नाम देखिएगा 23 है मगर हुआ है 24 में, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक्चुअली कोविड के लिए सब खेलो इंडिया गेम्स एक एक साल पीछे चला गया था। इस खेल का मैस्कट क्या था, अष्टलक्ष्मी, जो कि एक बटरफ्लाई है, आप फोटो में देख सकते हैं। और अष्टलक्ष्मी का मतलब है मोदी जी जो है नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स और सिक्किम, माने 8 स्टेट को एक साथ मिला के अष्टलक्ष्मी कहते हैं, इसलिए ये अष्टलक्ष्मी मैस्कट को बनाया गया, ओके। और 17 से लेके 29 फरवरी तक ये खेल का आयोजन किया है 2024 में ही, और इसका इनॉग्रेशन होता है सरुसराई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि गुवाहाटी में। और कहाँ कहाँ खेल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से इससे एक सवाल जरूर बनेगा। ये टोटल 7 स्टेट में कराया जाता है, 7 सिस्टर्स का 6 स्टेट्स में, मणिपुर को छोड़ के, क्योंकि मणिपुर में झमेला चल रहा है आपको मालूम है, और सिक्किम, ओके। टोटल 7 स्टेट में कराया गया। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहां पर इस बार यूनिवर्सिटी गेम नहीं हुआ है, तो मणिपुर में बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा खेल गुवाहाटी में हुआ, क्योंकि मालूम है असम सबसे ज्यादा समृद्ध है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा गेम कराया गया। टोटल 20 स्पोर्ट्स में इस बार खेल कराया गया और मेडल टोटल कितना था, 240 गोल्ड, 240 सिल्वर और 290 ब्रॉन्ज, टोटल 770 मेडल्स में कराए गए। मेडल टैली देख लेते हैं, नंबर वन रैंक कौन किया है, पहला रैंक किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज, टोटल 71 मेडल्स, याद रखिएगा। सेकंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 20 गोल्ड, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज, टोटल 42। थर्ड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, 12 गोल्ड, 20 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज, टोटल 51, ओके। ये मेडल टैली याद रखिएगा, ये आपको मैचिंग में भी दिया जा सकता है। बेस्ट मेल एथलीट कौन हुआ इस यूनिवर्सिटी गेम्स का, जेवियर माइकल डिसूजा, जैन यूनिवर्सिटी के। और बेस्ट फीमेल एथलीट हुआ है प्रत्याशा राय, उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी आपको मालूम है, उत्कल मतलब उड़ीसा का मामला है। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी गेम जो है पहली बार 2020 में कराया गया था भुवनेश्वर उड़ीसा में, 2021 वाला पोस्टपोन्ड हो जाता है, 2022 वाला बैंगलोर कर्नाटका में होता है, थर्ड जो था यूपी में होता है, 2023 में ही होता है, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा और गोरखपुर में, 4 शहर में होता है, और चौथा वाला तो अभी मैंने कहा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम 2024, ये इस बार 2 फेज में कराया गया। पहला फेज लेह लद्दाख में 2 से लेकर 6 फरवरी और दूसरा फेज गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 21 से लेकर 25 फरवरी। और इसके मैस्कॉट थे शीन ए शे, जो कि एक स्नो लेपर्ड है, और हिमालयन रीजन में इनको शान भी नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और 6 स्पोर्ट्स में इस बार खेल कराया गया, इसमें कितना मेडल था, 42 42 42, टोटल 126 मेडल था। मेडल टैली देख लेते हैं, रैंक वन क्या, आर्मी रैंक करता है 10 5 6 यानी कि 21 मेडल टोटल। सेकेंड कर्नाटका 9 2 0 11 मेडल और थर्ड महाराष्ट्र 7 8 7 यानी कि 22 मेडल्स, ओके। और ये विंटर गेम 3 बार इससे पहले हो चुका है, 3 बार गुलमर्ग में किया, जम्मू कश्मीर 2020 में भी, 2021 में भी और 2023 में भी। और हाँ, बट लेह लद्दाख में भी कुछ कुछ खेल हुआ था, वो आपको दिखेगा कहीं कहीं, जो गुलमर्ग और लेह, मगर होस्ट का जो मतलब मेन होस्ट थे वो गुलमर्ग ही था, और पहली बार गुलमर्ग और लेह दोनों को ऑफिशियल होस्ट कराएंगे, इसको अच्छे से याद रखिएगा।
अच्छा तीसरा आज का है लास्ट, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में ये कराया गया, न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक। ये पहला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 स्पोर्ट्स इसमें डिसिप्लिन शामिल था, 3 वेन्यूज और 173 गोल्ड, 167 सिल्वर और 184 ब्रॉन्ज इसमें था, टोटल 524। मैस्कॉट उज्ज्वला देख रहे हैं फोटो में, स्पैरो जो एक थी। मिडिल टैली में नंबर वन रैंक होता हरियाणा का 40, 39, 26 टोटल 105। सेकेंड उत्तर प्रदेश काफी डिस्टेंस है 25, 23, 14 यानी कि 62 और थर्ड तमिलनाडु 20, 8, 14 यानी कि 42। अब मैं बता दूं सवाल कैसा बन सकता है, ये जो मैस्कट है ना ये मैस्कट से सवाल बन सकता है, ये तीनों तो है ही। और जैसे कि यहाँ पर देखिए उज्ज्वला है पैरा गेम्स का, अच्छा विंटर गेम का ये शीन एसी है, और यूनिवर्सिटी गेम का हम लोग क्या देखा अष्टलक्ष्मी, और एक आपको खेलो इंडिया जो यूथ गेम था उसमें क्या था एक रानी नशिया रानी थी, ठीक है उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं लिंक में दे दूंगा। तो ये चारों दे दिया जाएगा और इसको आपको मैचिंग का तौर पे दिया जा सकता है, और मेडल वगैरह किसने क्या जीता कब हुआ ये सब तो पूछा जा सकता है। तो 6 मिनट में आपको सब खेलो इंडिया के बारे में समझ में आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें और ज्ञान तो जरूर बांटें। मिलते हैं अगले बढ़िया वीडियो में।